चाय की टेबल पे बैठ के कानून के ऊपर गहन चर्चा बिना किताबों के। आप लोग कहते हैं कि सर हमारा आर्गुमेंट खत्म नहीं होता, बड़ी जल्दी से रिएक्शंस आ जाते, आर्गुमेंट का सिर पैर नहीं होता तो हम क्या करें। आप बता दीजिए कि ऐसा कोई जजमेंट हो कि जब तक टेनेंट को आदेश ना किया जाए तब तक वो किराया जमा करने के लिए बाध्य नहीं है। तो आप 15 मिनट के बाद कानून बताते हो, मैं 1 सेकंड के अंदर पहले उसी कानून पर प्रश्न पूछ चुका होता हूँ। अगर वकील साहब दरखास्तें नहीं लगाएंगे देन द व्हाई द टेनेंट शुड सफर, द लैंडलॉर्ड शुड सफर। वकालत किसको करनी है, जज को कि वकील को? सर वकील को करनी, वकील को करनी है। तो वकील ने जो वकालत की उसके हिसाब से हमने डिसाइड करना है। रेंट हैज ऑलरेडी बीन डिपॉजिटेड, कब किया आपने? हाँ, ये बालोट 13/9/23 को एनेक्शन पेज नंबर 27 पे, पेज नंबर 27 ऑर्डर पास होने के पहले। और ये कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया कि पूरा रेंट डिपॉजिट हो गया। कोई बात नहीं, आपने कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन, नहीं कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन नहीं लगाई थी। हुआ ये था मालोट की जब बिफोर द फाइलिंग ऑफ सूट मालोट दे हैव इशू ए नोटिस। भाई क्या डिले कंट्रोल नहीं किया जा सकता? डिले तेरा अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, आपने जमा कर दिया ना। हाँ, सूट है जमा। इज देयर एनी प्रोविजन फॉर कंडोनेशन मालोट? यस मालोट। लगाइए दरखास्त, दरखास्त लगाई क्या? दरखास्त नहीं लगाई थी। क्यों नहीं लगाई सर? तेरा पांच पलोट जो है, इफ अ टेनेंट मेक्स डिपॉजिट और पेमेंट एज रिक्वायर्ड टू सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, नो डिक्री और ऑर्डर शैल बी मेड बाय द कोर्ट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एकोमोडेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेंट बाय टेनेंट, बट द कोर्ट मे अलाउ सच कॉस्ट एज इट मे डीम इट फिट टू द लैंडलॉर्ड। जी सर। और सेक्शन 13(6), इफ अ टेनेंट फेल्स टू डिपॉजिट और पे एनी अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन, दिस सेक्शन और सेक्शन क्या कहता है सर? 13(1) क्या कहता है? 13(1) ऑन अ सूट और एनी प्रोसीडिंग्स बीइंग इंस्टीट्यूटेड बाय अ लैंडलॉर्ड ऑन एनी ऑफ ग्राउंड रेफर्ड विद इन 1 मंथ ऑफ द सर्विस ऑफ रिट ऑफ समन्स और नोटिस ऑफ अपील और ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स और विद इन 1 मंथ ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अपील और एनी प्रोसीडिंग बाय द टेनेंट as the case may be or within such further time as the court may on an application made to it allow in this behalf। तो जो condonation और delay वाली बात मैं कह रहा था वो इससे कवर हो जाए। कवर हो जाए। क्यों नहीं दरखास्त लगाई आपने? क्यों नहीं दरखास्त लगाई? वो अवर केस इज मालोट की वी हैव पेड द रेंट बाय चेक बट दे हैव नॉट प्रेजेंटेड द चेक। भाई साहब अगर वो नहीं लेंगे तो आप क्या सीसीडी भी नहीं जमा कराएंगे? आपको दावे की कॉपी मिलने के 1 महीने के अंदर एरियस आपने जमा किए एज पर 13(1)? नहीं किए। आप कोर्ट टाइम एक्सटेंड कर सकती है। आपने दरखास्त, आपने कहा कि मैंने एप्लीकेशन अलाउ होने से पहले जमा कर दिए थे, आपने दरखास्त क्यों नहीं लगाई? दरखास्त तो नहीं लगाई मालूम। क्यों नहीं लगाई सर? क्यों नहीं लगाई? उसका तो सर्वटे जी, ये बात तो सर्वटे जी, चाय की टेबल पे बैठ के कानून के ऊपर गहन चर्चा बिना किताबों के यही नतीजा ला। बिना मैंने प्रोविजन देखे मैंने आपसे कह दिया था कि इसमें कंडोनेशन का है, एक्सप्रेशन मेरा गलत था, एक्सटेंशन ऑफ टाइम बोलना चाहिए, राइट? और लेकिन मुझे मालूम था कि प्रोविजन है कि अगर टाइम के अंदर नहीं होता है तो उसको कंडोनेशन अलाउ किया जा सकता है एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज। क्यों नहीं दरखास्त लगाई? कोर्ट क्या करेगी सर? कोर्ट क्या करेगी ये बताइए। मालूट कोर्ट हैज टू मालूट फर्स्ट, अच्छा कोर्ट को ही करना है सर, कोर्ट को पहले डायरेक्ट करना था। हाँ हाँ, डिपॉजिट कर दे भाई साहब, कंप्लायंस होता देन मालूट ऑर्डर में भी। सर्वटे जी आप मुझे जजमेंट बता दीजिए कि 13(1) तभी अप्लाई होगा जब कोर्ट ऐसा आदेश करेगी उसके बगैर टेनेंट को किराया जमा करने की आवश्यकता नहीं। अभी जो आपने आर्ग्यू किया ना सर, बताइए सर, आप लोग कहते हैं कि सर हमारा आर्ग्यूमेंट खत्म नहीं होता, बड़ी जल्दी से रिएक्शंस आ जाते,
आर्ग्यूमेंट का सिर पैर नहीं होता तो हम क्या करें? आप बता दीजिए कि ऐसा कोई जजमेंट हो कि जब तक टेनेंट को आदेश ना किया जाए तब तक वो किराया जमा करने के लिए बाध्य नहीं है। मैं बताइए सर, आपने आर्ग्यूमेंट किया है। अरे बस उतना पढ़ के बता दूंगा, मैं पूरा पढ़ूंगा फिर कहूंगा ऐसा तो इसमें डिसाइड ही नहीं हुआ। The RC is directed to decide the dispute raised by the tenant related. ये dispute की बात है यार। उसमें आगे भी आ रहा है आगे। अरे भाई साहब पहले dispute होगा ना, हाँ। तो वो फिर आगे 13, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा। और उसमें आगे ये आया है कि जब court direct करे। मेरे भाई क्या सर्वटे जी, हाँ। dispute में जब decide होगा तभी होगा। आपका dispute था क्या? हमारा dispute नहीं। तो फिर कैसे आप dispute वाला judgment ला रहे हो? और dispute वाला judgment क्यों आया मैं वो भी बता देता हूँ। ना तो आपने 13-2 की एप्लीकेशन लगाए, ना आपने 13-3 की एप्लीकेशन लगाई, और ना 13-4 का ऑर्डर है, और आप 13-4 के ऑर्डर को आप 13-6 पे बताना चाहते हो। कहां से मैं एक्सेप्ट कर लूंगा सर? आप तो 13-1 पे रखिए जहां कोई डिस्प्यूट नहीं है लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप का, वैसे भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। जहां पे रेट ऑफ रेंट का डिस्प्यूट नहीं है तब भी हमें आपको आदेश करना पड़ेगा जमा करो, तब तक नहीं करोगे ये कानून बता दूं। डिस्प्यूट वाला मत बता। एक और डिसीजन है सर, ये 2018 MPLJ, हाँ। सर इस पे ये है, सबसेक्शन 5 और सेक्शन 13 ऑफ दैट प्रोवाइड दैट इफ अ टेनेंट मेक्स अ डिपॉजिट और पेमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर बाय सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 नो डिक्री और ऑर्डर शैल बी मेड बाय द कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द अकोमोडेशन ऑन द ग्राउंड। सर डिक्री वाला है, हां ये डिक्री वाले, हां। पर डिसाइड यही इशू हुआ था मलोट, और इसमें इशू डिसाइड हुआ ना। आप तो 13(1) 13(1) इसमें पे रहो। इसमें जो एक चीज थी सर, इसमें जो 13(1) और 6 पे रहो बस। The court has held that where the tenant has deposited the entire amount of rent, although late, normally his defense should not be struck out. Normally, na? Normally. मेरे भाई मैं कह तो रहा हूँ, दरखास्त नहीं लगाओगे? दरखास्त सरबटे जी, प्रॉब्लम ये है कि जो आप 15 मिनट के बाद कानून बताते हो, मैं एक सेकंड के अंदर पहले उसी कानून पर प्रश्न पूछ चुका होता हूँ। 15 मिनट के बाद आप लोगों को समझ में आता मेरे पहले प्रश्न का कारण की और कंडोनेशन की एप्लीकेशन। हम क्या करें सर? इन केस मलोट में ग्रांटेड लिबर्टी। क्या इन केस सर? क्यों इन केस? व्हाई द टेनेंट शुड सफर? अगर वकील साहब दरखास्तें नहीं लगाएंगे देन द व्हाई द टेनेंट शुड सफर एज द लैंडलॉर्ड शुड सफर? वकालत किसको करनी है, जज को कि वकील को? सर वकील को करनी है। तो वकील ने जो वकालत की उसके हिसाब से हमने डिसाइड करना है। हमने थोड़ी गाइडेंस देनी है कैसा करो या वैसा करो। However, it is fairly conceded by counsel for the petitioner that although the petitioner had not filed the entire arrears up within a period of 1 month from the date of receipt of the summons of suit, but he also did not file an application for extension of time to deposit the rent, and also did not pray that the arrears deposited by him prior to passing of an order under 13(6) may be treated to be the deposit within the stipulated period. Heard the learned counsel for the petitioner. Section 13(1) and 13(6) of MP Accommodation Control Act reads as under. From the plain reading of Section 13(1) of MP Accommodation Control Act, it is clear that a tenant is required to deposit in the court or pay to the landlord an amount calculated at the rate of rent at which it was paid within a period of 1 month from the date of receipt of summons. However, there is also a provision in Section 13(1) of Accommodation Control Act which provides that this rent can be deposited within a further time as the case may on an application made to it allow in this behalf. Therefore, the counsel for the petitioner
Therefore, the petitioner was, therefore, if the petitioner had failed to deposit the entire arrears within a period of 1 month from the date of receipt of summons of suit, then he could have moved an application seeking further time to deposit the entire arrears. But that was not done. In Section 13(1) of MP Accommodation Control Act, it is nowhere provided that even in an absence of an application for extension of time, the court can so motu extend the time. Full stop. If the petitioner had already deposited the arrears of rent prior to passing of an order under Section 13(6) of MPLR Code, then unless and until the extension of time is paid by the petitioner, the trial court had no authority to so motu extend the same till the date of when the entire arrears were deposited. In absence of any prayer for extension of time, the trial court did not commit any mistake by passing an order under Section 13(6) of MPLR Code, thereby striking out the defense of the petition. As no jurisdictional error was committed by the trial court, accordingly, no case is made out warranting interference. As a consequence thereof, the order dated 5/2/2024 passed by 3rd Civil Judge Junior Division Burhanpur and civils in RCS number 54/2022 is hereby affirmed. The petition fails and is hereby dismissed. बहुत झंझट है सिर्फ वकीलों के द्वारा किताब ना खोलने के कारण. मैंने आपसे फिर से कहूंगा मेरा एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स गलत था बट आई न्यू कि देर इज अ प्रोविजन वेयर इट कैन बी एक्सटेंडेड और उसमें भी लिखा ऑन एन एप्लीकेशन. दो लाइन लिख दीजिए ना जो आप कह रहे थे कि सर आई वाज अंडर फॉल्स इंप्रेशन दिस एंड दैट. उतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर हम लोग क्या करें. 43